खबर जनपद चमोली से है, जहां नारायणगढ़ प्रखंड के सिलोड़ी और चिड़िंगा गांव के बीच एक जमीन से धुआं निकलने की अजीब घटना सामने आई। दरअसल ग्राम चिड़िंगा में सड़क के किनारे दो तीन दिन से लगातार निकल रहे धुएं से क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में थे। अब इस घटना के सामने आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके चलते इसकी सूचना ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से धुएं वाले स्थान की खुदाई की गई, जिस पर जमीन के नीचे चीड़ का पुराना दबा हुआ पेड़ सुलगता हुआ मिला, जिसके बाद सभी लोगों का सही सह और दहशत दूर हुआ। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सबसे जो है यहाँ के लोगों ने हमको फोन किया, हमारे कुमार सिंह जी ने, कि यहाँ पे जो है धुआं निकल रहा है, तो हमने तुरंत जो है प्रशासन को इसकी इत्तला की और प्रशासन को हम साथ लेके आए और साथ में जब देखा तो यहाँ पे जो है एक जो है लकड़ी जो अंदर जल रही थी, जिस पे की जो है जिसको हमारे यहाँ पे छिल्ला कहते हैं, उस पे जो है अंदर जो है उस पे धुआं आ रहा है। तो इससे जो है प्रशासन बड़ा मुस्तैद रहा कि हमारे एक कॉल करने पर जो है प्रशासन पूरा यहाँ पे लाओ लश्कर के साथ पहुँचा। सरपंच जी ने सूचना दी थी कि चिड़ंगा में जो है सड़क के किनारे धुआं निकल रहा है काफ़ी मात्रा में, जिससे कि मेरे द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई, उनके निर्देश पर हम यहाँ पे आए हैं। जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो देखा कि जो धुआं निकल रहा है वो मिट्टी के नीचे और पेड़ दबा हुआ था और उस पर आग सुलग रही थी, और जिससे कि ग्रामीणों के सहयोग से, सभी के सहयोग से उसको जो है निस्तारण कर दिया गया उसका।